हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक तो हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट काफ़ी न्यूज़ में रहता है क्योंकि विंटर सीजन में काफ़ी रेयर पीसी देखने को मिलती हैं लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में कुछ टाइम पहले हमने हिमालयन सीरो को देखा स्पीति वैली में और मस्क डियर को देखा गया है लाहौल वैली में आप ये दो इमेज देख सकते हैं ये वो मस्क डियर है जिसे कि लाहौल वैली में देखा गया है अगर हम मैप में देखें तो आप देख सकते हैं ये है हमारा हिमाचल प्रदेश यहाँ है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ये लाहौल वैली और ये स्पीति वैली और ये है चंद्रा रिवर और ये है भागा रिवर चंद्रा और भागा रिवर जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान का नाम है तांदी और तांदी के बाद इस रिवर का नाम चेंज हो हो जाता है चिनाब जिसे कि हम चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं तो चिनाब नदी के किनारे बसा है राशिल विलेज और राशिल विलेज के फोटोग्राफ़र हैं जिनका नाम है इंद्रजीत उन्हीं के द्वारा ही इस मस्क डियर की फ़ोटोग्राफ्स खींची गई हैं और फोटोग्राफ्स खींचने के बाद इनके द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दी गई और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मस्क डियर की सेफ्टी को इन्श्योर करने के लिए काफ़ी एक्टिविटी भी शुरू कर दी और काफ़ी एक्टिव हो गए कुछ समय से जितनी रेयर स्पीसीज हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है लाहौसपीति में जैसे कि मस्क डियर आईबैक्स स्नो लेपर्ड और ये सब हुआ है वर्ष 2012 के बाद क्योंकि वर्ष 2012 से पहले मस्क डियर स्नो लेपर्ड और आईबैक्स इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो रही थी एक्सटिंक्ट होने के कगार पर थे ये और वर्ष 2012 में महिला मंडल बनाए गए लाहौल स्पिति डिस्ट्रिक्ट में और इन महिला मंडलों द्वारा काफ़ी एक्टिविटी शुरू कर दी गई हंटिंग को बैन कर दिया गया और जो भी ऐसी कोई भी एक्टिविटी करता है जिससे कि इन रेयर स्पीशीज को खतरा होता है तो उन्हें फाइन किया गया और उन्हें सोचली भी बाइकआउट किया गया आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि कि मस्क डियर की हंटिंग क्यों की जाती है और 2012 के बाद मस्क डियर आईबैक्स और स्नो लेपर्ड इन्हें काफ़ी बार देखा गया है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में और इनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है आप देख सकते हैं इमेज में ये है आईबैक्स जिसे वाइल्ड गोट कहते हैं मुख्य रूप से सर्दियों के मौसम में जब ऊपरी इलाकों में काफ़ी बर्फबारी होती है तो ये निचले इलाकों में आ जाते हैं और इसी वजह से लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी बार देखा गया है इन सभी रेयर स्पीसीज को ये आप दो इमेजेस देख सकते हैं ये है हमारा आईबैक्स जिसे वाइल्ड गोट कहते हैं तो इन सभी रेयर स्पीसीज़ की सेफ्टी के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया गया है और उसके अंतर्गत एक बात भी कही गई है कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन को किसी के साथ डिस्क्लोज़ ना किया जाए क्योंकि सर्दियों के मौसम में पोचर्स काफ़ी एक्टिवेट रहते हैं हंटिंग करने के लिए इन सभी रेयर स्पीसीज की अगर हम डिस्कस करें मस्क डियर के बारे में जिसे कि लाहौल वैली में देखा गया है इसका बायोनोमियल नेम है मोशस क्रिसोगास्टर और ये उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है आयु के कंजर्वेशन स्टेटस में इसे एंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है वर्ष 2007 से पहले हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल था मस्क डियर वर्ष 2007 में जब थर्ड स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड मीटिंग हुई तो मस्क, मस्क डियर को रिप्लेस कर दिया गया स्नो लेपर्ड से और 2007 के बाद हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड अगर हम मैप में देखें कि कहाँ कहाँ मुख्य रूप से पाया जाता है स्नो लेपर्ड तो जितने भी हिमालय एरियाज हैं नेपाल भूटान इंडिया पाकिस्तान और चाइना का वहाँ पे मस्क डियर पाया जाता है और उत्तराखंड का ये स्टेट एनिमल है और उत्तराखंड में केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एस्कॉट मस्क डियर सेंचुरी में ये मुख्य रूप से पाया जाता है अब हम डिस्कस करें कि मस्क डियर की हंटिंग क्यों की जाती है तो मस्क डियर में एक सेंट ग्लैंड होता है जिसे कि मस्क कहते हैं और हिंदी में कहते हैं कस्तूरी और मस्क डियर की हंटिंग करने के बाद इस सेंट ग्लैंड को निकाला जाता है और ब्लैक मार्केट में काफ़ी ह्यूज वैल्यू पर इसे बेचा जाता है क्योंकि इस सेंट ग्लैंड से काफ़ी परफ्यूम्स बनाए जाते हैं आप इमेज में देख सकते हैं ये हो ये है वो मस्क जिसे कि कस्तूरी भी कहते हैं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के अंतर्गत हम सभी का ये दायित्व तो बनता है कि हम सभी को इन रेयर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है तो बने रहिए इस तरह की डिस्कशन के लिए मेरे साथ और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल